पीएसआर सुब्रमण्यम 1961 बैच के आईएएस ऑफिसर जिन्होंने बतौर कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया के 3 प्राइम मिनिस्टर्स के कार्यकाल में काम किया है। इन्होंने इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को फ्रेम करने में सबसे बड़ा रोल निभाया। इन्होंने पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स में मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट का काम किया। लेकिन इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है हिज फाइट फॉर द इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज की फॉर फ्रीइंग सिविल सर्विसेज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इस जजमेंट में, जिसे पॉपुलरली TSR सुब्रमण्यम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट को ये डायरेक्टिव्स दिए कि उन्हें एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाना होगा जो डिसाइड करेगी अबाउट द ट्रांसफर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा, उन्हें एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी जो फिक्स्ड टेन्योर की बात करेगी ऑल इंडिया सर्विसेज की। तीसरा, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया सिविल सर्वेंट्स को कि दे आर नॉट बाउंड बाय द ओरल डायरेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।